कुछ चीजें भिकमंगों के लिए नहीं है। मजनू गाली है, ब्यूरोक्रेसी हैज नो सिंपैथी फॉर मजनू। इफ द पीपल अराउंड यू आर एबल टू गिव टेंशन टू यू, यू आर अ यूजलेस पर्सन। तो उनके लिए टेंशन होने चाहिए। जो इवन में खेले, इवन में वो थोड़ी हीरो है, ऑड काहे दिमाग रखे हो। अगर तुमको लगता है कि नहीं लग रहा है तो जंगल वंगल चले जाओ, तुम्हें भी टेंशन में डूबना है और सीरियस होकर बैठ जाना कि अच्छा मार डालेंगे। दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लो, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने। कॉल्ड एज मजनू टाइप। मजनू गाली है, ब्यूरोक्रेसी हैज नो सिंपैथी फॉर मजनू। यार मालिक ने एक जिंदगी दी काम करने के लिए, उसको तुम ड्रामेबाजी में बिता रहे हो। मान लो तुमने किसी लड़की प्रपोज कर दिया, उसने मना कर दिया, दूसरे को करो, तीसरे को, चौथे को, छठा, सातवां, आठवां, नौ, करते रहो। करने मेरा प्यार इस लड़की के लिए है, पागल हो? पूरी दुनिया को बांटो। पागलपन वाले काम मत करना लाइफ में। ताली बढ़ा लिया, गाना गा रहे, चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया, एक तो भिकमंगे ऊपर से प्यार कर रहे हो। कुछ चीजें भिकमंगों के लिए नहीं है। खाली टाइम चाहिए ना उसके लिए, रिलैक्स माइंड। इसलिए हिंदू कल्चर ने कहा धर्म अर्थ काम। सी द रैशनैलिटी ऑफ हिंदू कल्चर। पहले वो कहता है एजुकेशन धर्म, फिर कहता अर्थ इकोनॉमी, फिर कहता काम एंजॉयमेंट। कहता अगर एंजॉयमेंट से कभी भर जाना तो मोक्ष लास्ट ऑप्शन रखा है। कि जिस दिन तुम्हें यह पता चल जाए कि ये तो यार ड्रामा था यार, एंजॉयमेंट के नाम पर ये तो हम बेवकूफ बन रहे थे, तब चले आना। इसलिए जिन लोगों को बचपन से धर्म की ट्रेनिंग दी जाती है ना, चंदन अंदर आगे इतने बड़े बच्चे टहलने, कुछ नहीं कर पाते। इसलिए मंदिर के जो प्रीस्ट होते हैं उनके बच्चे कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि बचपन से उन्हें गलत ट्रेनिंग दी जाती है। रिलीजन कैन नेवर बी इम्पोज्ड, नेवर, इट कैन बी अंडरस्टूड। काहे दिमाग रखे हो? अगर तुमको लगता है कि नहीं लग रहा है तो जंगल वंगल चले जाओ, और अगर अगल बगल वालों में लगा रहे हो तो शीशे के सामने खड़े होकर तमाचा मारो, ग्रुप ने आपको। इफ द पीपल अराउंड यू आर एबल टू गिव टेंशन टू यू, यू आर अ यूजलेस पर्सन। तुम उनके लिए टेंशन होने चाहिए। जो लोग आपके साथ रहते हैं ना, अगर वो आपको टेंशन दे देते हैं और आप ले लेते हैं तो बेकार है आपका जीना। मेरे पास तो सिर्फ धरती के प्राणी तो रहे, मार्स के लोग रहते हैं, एलियंस रहते हैं मेरे साथ। ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, हो गया, हो गया। मैं भी कभी तो बहुत बुरा हुआ, तो गलत बात है। तुम्हें भी टेंशन में डूबना है, हम सीरियस होकर बैठ जाना कि अच्छा मार डालेंगे। पता नहीं क्या बात कर रहे थे यार तुम लोग आधे घंटे अभी, जब मैं वहां ध्यान कर रहा था कल बातें की जा रही है। बैठो शांति से 10 मिनट। मत बोलो फालतू यार, बोलना बंद कर दो। जब बोलो तो 10 लोग सदमे में आ जाए, बाकी प्यार से बोलो। और भैया और चाचा कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया। और
और ये सब चीजें किसी क्लास में, स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती। देयर इज नो स्कूल इन द वर्ल्ड विच कैन गिव यू कॉन्फिडेंस आफ्टर टेकिंग मनी। ये या तो तुम्हारे पास है और या तो तुम पैदा करोगे। और इवन ऐसे बनते हीरो जो इवन में खेले, इवन में वो थोड़े हीरो है, ऑड। व्हेन यू प्ले एंड परफॉर्म इन द सिचुएशन ऑफ ऑड, एवरीथिंग इज अगेंस्ट यू बट यू आर रेडी टू प्ले, हम तो खेलेंगे, एंड यू परफॉर्म वेरी वेल, देन द वर्ल्ड बाउज डाउन इन फ्रंट ऑफ यू कि भैया बड़ा अच्छा खेल रहे थे, 50 ओवर 110 रन क्या फर्क पड़ता है, 50 ओवर 450 रन। Why I say every day, whenever I come, I say one thing, ध्यान करो। शायद तुम ऊब गए होगे ये बात सुनते सुनते कि यार बार बार ये बात क्यों कहते हो, और कोई तुम्हें राजा बना ही नहीं पाएगा। पढ़ लो चाहे जिस कोचिंग में, लंदन चले जाओ, सिर्फ एक चीज है जो तुम्हें उठाएगी और बहुत ऊंचाई तक तो पहुंचाएगी, मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब इसको देखना कॉन्टिन्यूअसली, बस एक ही चीज है जो तुम्हें राजा बनाएगी और कोई बना ही नहीं सकता। बाकी लोग मदद कर देंगे, समय पे मिल जाएंगे, कोई इस चौराहे पे मिल जाएगा, कोई इस चौराहे पे मिल जाएगा, सपोर्ट करते चले जाएंगे, जिनको तुम मंजिल पे पहुंच के याद करोगे और तारीफ करोगे उनकी, क्या रही है भैया, विदाउट हिम माई जर्नी वुड हैव बीन इनकम्प्लीट एंड आई एम इंडेब्टेड टू हिम, ऐसा बोलोगे तुम पत्रकारों के सामने। बस वो उतने भी खुश हो जाएगा, सीढ़ा वो चौड़ा कर लेगा तो देखेगा कि देखे भैया। जब आप खेलते हो ना तो आपके अगल बगल बड़े कन्फ्यूजन रहते हैं, आपको टोकते रहते हैं, तो आदमी ठीक नहीं हो तो बेवकूफ हो, धोखेबाजी कर रहे हो, पता है आपको प्रोवोक करते रहते हैं कि बताओ क्या करना, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में, कभी मत बताना, मुस्कुराते रहो बस। ऐसे लगाओ दिमाग को यार, कहाँ लगा रहे हो। तुम कहां लगा रहे हो? फिर अगर मान लो कुछ कर नहीं पाओगे तब यार सबको दोष दोगे, परिवार को, समाज को, टीचर को, कोचिंग को। डॉक्टर अंबेडकर किसको दोष दें? दिया ही नहीं उस आदमी ने किसी को, क्योंकि उस आदमी को खेलना आता है। गांधी को खेलना आता है, लिंगन को खेलना आता है, नेपोलियन को खेलना आता है। ऑल दोज पीपल हु नो टू प्ले, दे विल नेवर ब्लेम एनीवन, नेवर। ऑल दोज हु डोंट नो टू प्ले, दे विल ब्लेम। That man comes from a pure coal mine as a diamond. Possibility है कि उस आदमी के दिमाग में कुछ भी नहीं रहा होगा गोल के सिवा। तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ होगा। ब्राह्मीण अच्छे नहीं है, शिया अच्छे नहीं है, सुन्नी अच्छे नहीं है, प्रे फॉर गाजा। क्यों रखे हो फालतू की चीजें अपने दिमाग में? जय हिंद।